नमस्ते, खेड़ीकर होममेड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के कढ़ाई पनीर की रेसिपी। जी हाँ, आप इसे घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही इजी और डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमने लिया है 400 ग्राम पनीर, जिसे हमने क्यूब्स में बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। 200 ग्राम शिमला मिर्च, इन्हें भी हमने बड़े पीसेस में काट लिया है। 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज, इन्हें भी हमने बड़े पीसेस में काट लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, ये भी हमने बड़े पीसेस में काट लिए हैं। 15 से 20 काजू, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिन्हें हमने पीसेस में काट लिया है, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी, नमक स्वादानुसार, 1 चुटकी हींग, 3 हमने लिए हैं यहाँ पर हरी मिर्च, 1 तेज़पान, 1 बड़ी काली इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 हमने लिए हैं यहाँ पर लौंग और 4 से 5 काली मिर्च। इसके अलावा हमने लिए आए हैं तेल पनीर को तलने के लिए। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे पनीर तलने के लिए। तेज आंच पर हमने तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें सारे पनीर के क्यूब्स हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, पनीर हमारा हल्का गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे। सारे पनीर के क्यूब्स हमने तेल में से निकाल लिए हैं। अब हम तेल को एक कढ़ाई में निकाल लेंगे और इसमें सिर्फ 3 चम्मच तेल कढ़ाई में रहने देंगे। ये देखिए, कढ़ाई से हमने सारा तेल निकाल लिया है, इसमें सिर्फ 3 चम्मच तेल रहा है। अब हम इसमें शिमला मिर्च के पीसेस डालेंगे। इन शिमला मिर्च के पीसेस को हम नरम होने तक फ्राई कर लेंगे तेल में। पाँच से सात मिनट हो चुके शिमला मिर्च को तेल में पकते हुए। हम चेक कर लेते हैं कि शिमला मिर्च नरम हुई है कि नहीं। ये देखिए, शिमला मिर्च नरम हो गई है। अब हम इसे तेल से निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हम प्याज के पीसेस डालेंगे, अदरक और लहसुन डालेंगे और प्याज को ब्राउन होने तक हम अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए, प्याज हमारे हल्के लाल हो चुके हैं। अब हम इसमें काजू डालकर इसे फिर से सेकेंगे। लगभग 5 से 7 मिनट तक हमने काजू को भी प्याज के साथ सेका है। ये देखिए, प्याज का कलर और लाल हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर को भी तेल के साथ अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए, टमाटर भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। प्याज और टमाटर का मसाला हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसे मिक्सी में डालकर मिक्सी में इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए हम थोड़े से पानी का भी यूज़ करेंगे। ये देखिए, प्याज और टमाटर का हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। इसका पेस्ट बनाते समय मिक्सी के पॉट में हमने 3 हरी मिर्च भी डाल दिए थे। अब हम आगे की रेसिपी के लिए 3 चम्मच तेल कढ़ाई में गरम करने रखेंगे। कढ़ाई में हमने तेल गरम करने रख दिया है। तेल के गरम होने पर हम इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे। तेज़पान, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, हींग, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और टमाटर का पेस्ट। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन मसालों को तेल में तब तक पकने देंगे जब तक कि मसालों से तेल अलग न दिखने लग जाए।
ये देखिए मसालों से तेल अलग दिखने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लगभग आधे मिनट तक इन मसालों को हम अच्छे से पकने देंगे। आधा मिनट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई करे हुए पनीर के पीसेस और शिमला मिर्च के पीसेस और इन्हें मिक्स कर लेंगे। इन्हें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इन्हें आधा मिनट तक ढककर पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पर मैंने आधे ग्लास पानी डाला है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा ग्रेवी के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटा देंगे और इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। कढ़ी पनीर हमारा बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इस पर कसूरी मेथी फैलाकर इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो कसूरी मेथी की खुशबू है उससे जो सब्जी का टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। और फिर 10 मिनट बाद हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल का कढ़ाई पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे रोटी, पराठा, नान या फिर चावल के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।